बच्चे हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर 2 है हमारी क्लास 12th बायोलॉजी का। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसको हम 2 से 3 दिन में कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। रिप्रोडक्शन होता क्या है बच्चे, रिप्रोडक्शन प्रोडक्शन ऑफ यंग वन बाई एन ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन आर सेक्शुअली रिप्रोड्यूस एंड वीविपेरस। ओविपेरस होता है बच्चे एग लेइंग, और वीविपेरस होता है जो न्यू यंग वन को बर्थ देता है। ठीक है, अब इसमें देखना बच्चे, इट कंजिस्ट ऑफ पेयर ऑफ टेस्टिस। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले हम देखेंगे जिसमें पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं। अभी जो हम लोगों ने एनसीईआरटी क्वेश्चन में देखे थे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें हमने देखा था कि जो टेस्टिस होते हैं वो मेल मेल हार्मोन्स है ना, मेल सेक्स हार्मोन्स जो होता है जिसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, वो यहीं से फॉर्म्ड होता है। और साथ में और क्या हमने देखा था, इसमें टेस्टिस का काम होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक, एसेसरी डक्ट्स होती हैं, कुछ एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं, और एक्सटर्नल जेनिटलिया होते हैं जिसको हम लोग पेनिस बोलते हैं। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर है आपके पास। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर में आप लोगों ने देखना है कि ग्लैंड्स, पेनिस, फोरस्किन क्या होती है। ठीक है, यूरिथ्रा क्या आपको क्वेश्चन लेबल के लिए दिया जा सकता है। एजुकुलेटरी डक्ट कहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है बच्चे, ये इसमें एजुकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। रेक्टम एनस आ जाता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसमें बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स आपको याद रखना है, प्रोस्टेट ग्लैंड याद रखना है। ठीक है, यूरिनरी ब्लेडर, यूरेटर। तो इसको लेबल करने के लिए आपको पूछा जा सकता है सुक्रेटम, जो सेक्रोटम है, तो ये एक ऐसी स्किन होती है जिसमें बॉडी से कम टेम्परेचर रहता है ना। फिर उसके बाद हम लोग जो डिस्कस करते हैं, ये वाला हमने क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, देखो इसमें आप लोग देखिए बेटा, जैसे आपके पास क्या क्या आता है, ये पेयर ऑफ टेस्टिस है, एक ये आ गया और एक ये आ गया, ये पेयर ऑफ टेस्टिस है। ठीक है बच्चे, अब टेस्टिस से क्या होता है, टेस्टिस से आगे टेस्टिस से क्या बनेंगे, टेस्टिकुलर लिब्यूल्स होंगे, और फिर रीटे टेस्टिस, फिर वासा इफ्रेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस, सॉरी एपिडिडाइमिस में, और फिर वासा फ्रेंशिया में, फिर वास डिफरेंश में स्पर्म जाएगा, फिर वहाँ से कहाँ आ जाएगा बच्चे, वहाँ से स्पर्म आ जाएगा बच्चे यूरिनरी, इसमें आपके सेमिनल वेजिकल में, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, यूरिथ्रा, और ठीक है, और फिर यहाँ से स्पर्म जो होगा सीधा वाइडेड आउट होगा। ठीक है बेटा, तो कॉमन पैसेज होता है बच्चे, कॉमन पैसेज होता है किस किस का, स्पर्म का और यूरिन का। ठीक है, तो इसमें एक एक पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। देखो बच्चे, जैसे हमारे पास क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या क्या है, दैट प्रोड्यूस स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, वो किससे, टेस्टिस से प्रोड्यूस किए जाते हैं। टेस्टिस आर फॉर्म्ड विद इन द एब्डोमेंस सून आफ्टर द बर्थ आर एट द 8th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, दे डिसेंट इन टू द सेक्रोटल सेक्स सेक्रोटम थ्रू इंग्वाइनल कैनाल। ठीक है बच्चे, क्या होता है, पहले जो टेस्टिस होते हैं 8 मंथ तक वो कहाँ होते हैं, एब्डोमेंस में होते हैं, और जब मदर की वॉम में मेल फिटस जो होता है वो क्या कर देता है, 8th मंथ में ही एग को डिसेंड कर देता है सेक्रोटल में। ठीक है, कैसे डिसेंड करता है, थ्रू इंग्वाइनल केनाल। ठीक है, द लो टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सेक्रोटम हेल्प्स फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ टेस्टिस फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। क्योंकि बॉडी में टेम्परेचर जो होता है बेटा वो कितना होता है, बॉडी में टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उस टेम्परेचर पर स्पर्म नहीं बनता है। मतलब स्पर्म बनने का होता है कि बॉडी से टेम्परेचर थोड़ा कम हो, तो फिर हमारे टेस्टिस जो होते हैं स्पर्म बनाना शुरू कर देते हैं। क्लियर है बच्चे ये बात, ठीक है। अब देखो इसमें जैसे हमारे पास नेक्स्ट आता है, हम लोग इसमें क्या देते हैं, ईच टेस्टिस ओवल शेप, लेंथ इतनी होती है, बर्थ देख लो, ईच टेस्टिस हैज 250 टेस्टिकुलर लिब्यूल्स। यहाँ पे देखो टेस्टिकुलर लिब्यूल्स जो ऐसे ऐसे आपको दिख रहे हैं, ये कितने, अराउंड 250 प्रेजेंट होते हैं। ईच लिब्यूल्स कंटेन 1 to 3 कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, एक लिब्यूल्स में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइन इंटरनली बाई स्पर्मेटोगोनिया, दैट इज मेल जर्म सेल्स, सर्टोली सेल्स, स्पोर्टिंग सेल्स जिनको बोला जाता है, सर्टोली सेल्स गिव शेप एंड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनिया। अगर आपको इतना पॉइंट याद रहते हैं बच्चे, ये सफिशियंट पॉइंट है। देखो नेक्स्ट बोल रहा है, द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इंटरस्टिशियल स्पेस कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल, इंटरस्टिशियल सेल जिनको हम लाइडिक सेल बोलते हैं, एंड इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल्स। लाइडिक सेल सिक्रेट टेस्टिकुलर लिब्यू टेस्टिकुलर हार्मोन दैट इज नोन एज एंड्रोजन्स।
ठीक है, इसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन भी बोलते हैं। ये आपके सामने डायग्राम है, यहाँ पर ये डायग्राम है, इसमें आपने देखना है कि ये क्या क्या बोल रहा है। ये आ जाते हैं हमारे साइटोली सेल्स, ठीक है, ये आपके पास साइटोली सेल, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, स्पर्मेटोजुआ, इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है बेटा। अब हम लोग इसमें देखेंगे, जैसे आपके पास और भी इसके कुछ एसेसरी डक्ट्स और एसेसरी सिस्टम्स क्या होते हैं। एसेसरी डक्ट्स क्या है? दैट इंक्लूड रीटे टेस्टिस, वास डिफरेंश, वास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमस एंड वास डिफरेंश, दे कंडक्ट स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू फॉलोज। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कहाँ जाएगा? रीटे टेस्टिस में, इरेगुलर कैविटीज़ होती हैं। फिर वास डिफरेंश में जाएगा, सीरीज ऑफ फाइन ट्यूबुलर्स। एपिडिडाइमस में जाएगा, स्टोर स्पर्म देयर टेम्परेरली। वास डिफरेंश में आएगा, और वास डिफरेंश होगी ज्वाइन विद डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल्स टू फॉर्म एजुकुलेटरी डक्ट। एजुकुलेटरी डक्ट से यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा से यूरिथ्रल मीटस, मतलब वहाँ से बाहर आए। तो ये बच्चे आपको याद रखना है कि स्पर्म्स का क्या पाथवे है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूरिथ्रा रिसीव डक्ट ऑफ प्रोस्टेट एंड कॉपर ग्लैंड्स। तो यूरिथ्रा जो होता है वो एक मतलब यूरिथ्रा रिसीव्स डक्ट ऑफ प्रोस्टेट एंड कॉपर ग्लैंड। यूरिथ्रा में स्पर्म आने से पहले प्रोस्टेट और कॉपर ग्लैंड से होते हुए स्पर्म्स आता है, ठीक है। एसेसरी ग्लैंड याद रखने, उसके जो एसेस करते हैं उसको, इंक्लूड प्रोस्टेट ग्लैंड, पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल्स एंड पेयर ऑफ कॉपर ग्लैंड्स, जिसको बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। देयर कलेक्टिव सिक्रेशन सेमिनल प्लाज्मा इज रिच इन फ्रैक्टोज, कैल्शियम एंड एंजाइम, ठीक है बच्चे, ये याद रखना आपने। सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म गिव्स सेमन, प्लाज्मा प्लस स्पर्म्स गिव्स सेमन। फंक्शन ऑफ सेमिनल प्लाज्मा क्या होता है बच्चे? फंक्शन ऑफ सेमिनल प्लाज्मा, इट मीन्स हेल्प फॉर ट्रांसपोर्टिंग स्पर्म, सप्लाई न्यूट्रिएंट टू स्पर्म, प्रोवाइड एल्कलिनिटी टू काउंटरैक्ट द एसिडिटी ऑफ यूट्रस, सेक्रेशन ऑफ कॉपर ग्लैंड्स एंड लुब्रिकेट द पेनिस, सेक्रेशन ऑफ एपिडिडाइमस वाज डिफरेंट, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट हेल्प फॉर द मैचुरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म, है ना बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके फंक्शन आपको देखना। डी बोल रहा है पेनिस, एक्सटर्नल जेनिटिलिया होता है, कोपुलेटरी ऑर्गन भी आप इसको बोल सकते हो, इरेक्टाइल स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं इसमें। वेन स्पॉन्जी टिश्यू इज फील्ड विद ब्लड द पेनिस इरेक्ट, इट फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब सेमन को इंसर्ट करना, कहाँ पर? वेजाइना। द कोन शेप टिप ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड ग्लैंड्स पेनिस, इट इज कवर्ड बाय द परप्यूज फॉर स्किन, इट इज कवर्ड बाय परप्यूज फॉर स्किन, ठीक है बेटा। देखो नेक्स्ट क्या कहता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को हम लोग कैसे देखेंगे, आपको पता ही है बच्चे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आते हैं? ओवरी, ठीक है, और क्या आएगा बच्चे? ओवरी के बाद क्या आएगा बेटा? ओवरी, एसेसरी डक्ट, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। देखो जैसे हमारे पास ये आ जाता है बच्चे, वेजाइना, सर्वाइकल कैनाल, सर्विक्स, ठीक है, तो ये आ जाती है जहाँ पर इम्प्लांट किया जाता है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम लाइनिंग ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये ओवरी है, इसको इनफंडिबुलम एम्पुला स्टमस, इसको फ्लोपिन ट्यूब बोलेंगे, ठीक है। इनफिम्ब्रे के द्वारा इसको कैप्चर किया जाता है, ठीक है, और फ्लोपिन ट्यूब्स में जाके क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होती है, यहाँ से स्पर्म्स इंटैक्ट होके एंटर करेगा। तो आपको लेबलिंग के लिए डायग्राम आ सकती है, आपको पूरा अच्छे से इसका लेबलिंग का मैकेनिज़म पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो इसके ये पॉइंट्स आप लोगों ने करने हैं, इसके पॉइंट्स क्या क्या करोगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, पेयर्ड ऑफ ओवरीज होती हैं दोनों ही, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन विच प्रोड्यूस ओवा फीमेल गैमेट्स एंड स्टीरॉयड ओवरिन हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ओवरी का क्या काम होता है बच्चे? ओवरी जो होती है ओवर रिलीज करती है, और साथ साथ में इसने क्या करना है, ओवरिन हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ईच ओवरी इज 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, दे लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन्स एंड कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट्स। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम विच इज इनक्लोज द ओवरियन स्ट्रोमा, द स्ट्रोमा हैज़ आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर होता है ओवरी का, ठीक है, तो उसमें क्या होता है बच्चे, इसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, और ये वाला पार्ट जो होता है इसको हम लोग मेडुला कहते हैं, ठीक है बच्चे। ओवरी कंटेन ग्रुप ऑफ सेल दैट इज ओवरिन फॉलिकल, ईच फॉलिकल कैरी सेंट्रल प्लेस दैट इज नोन एज ओवम। एसेसरी डक्ट्स इसके रीड करने आपने थोड़े से,
ठीक है, मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, ठीक है, एसेसरी डक्ट्स, एम्पुला अस्थमस क्या होता है, इसकी मेम्ब्रेन्स, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, ये देखना मेमोरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, ठीक, एक्सटर्नल जेनिटिलिया, इसको एक बारी आप लोग इतना सा रीड करना, मेमोरी ग्लैंड से आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ऑनवर्ड मेमोरी ग्लैंड्स। तो ये बेसिक चीज़ें आप लोगों को यहाँ तक डिस्कस करना है, ठीक है बच्चे, थैंक यू।